मेकिंग मखाना सब्जी विदाउट अनियन एंड गार्लिक, बिना लहसुन के आज की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। उसमें पहले मैं वैसे मैंने मसाले डाल दिए पर फिर भी मसाले भी मैं कम यूज़ करती हूँ, जो योग साधना प्राणायाम ध्यान के लिए समय निकाल दें उनको ही मसाले भी कम यूज़ करने होते हैं। रही बात तेल, तेल तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऐसी सब्जी में अगर थोड़ा थोड़ा स्पेशल बना रही हो, देखिए मैंने जो मखाने हैं ये भून लिए ऐसे ही बिना घी के ड्राई रोस्ट कर लिए और ये बिल्कुल देखिए कैसे हो गए, आपको दिखाते हैं बिल्कुल क्रंची हो गए हैं बिना घी के। अब इसको क्या करूँगी मैं, मैंने इसमें डाले हैं मेलन सीड्स, सम कैशू यानी कि थोड़े काजू, अदरक, टमाटो, ऑयल, रेड चिली, ठीक है, टर्मरिक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू दाई टेस्ट एंड आई एड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाली है। और आप इसमें चाहे तो यू कैन ऐड पोपी सीड्स, पोस्ट भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं और ये मैंने डाले हैं मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज। बस इसको बस पीसने वाली हूँ और ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है, रेडी हो गया मैंने मसाला। इसमें थोड़ा मिल्क डालेंगे और कुछ नहीं, अगर आप ऐड करना चाहें थोड़ा सा ऑयल या घी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और कोई घी तेल इसमें अभी ऐड नहीं करा एक्स्ट्रा, वही था तेल। अब मैं इसमें मखाने डाल दूँगी। ओके, ये सब्जी 3-4 लोगों के लिए बहुत है 4 लोग आराम से खा सकते हैं, 4 पीपल्स, ठीक है। इसमें आप क्रीम डालना चाहे डालें या दूध डालना चाहे डालें, और इसमें एक समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट डालेगा बाद में डालेंगे हम कोरिएंडर, इसमें डालेगा थोड़ी सी चीनी, आधे चम्मच चीनी बहुत ज़रूरी है। सोच रही इससे अच्छा तो मैं मिल्क डालूँ क्योंकि मैं अंदाजे से डाल लेती हूँ, ये आधा कप है कम से कम, तो मैंने आधा कप मिल्क डाल लिया, 1 कप वाटर, 1 कप पानी और आधा कप मिल्क। और मैं सोच रही हूँ डाल दूँ क्योंकि इसमें चिली मैंने कम डाली है तो इसमें ग्रीन चिली से थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। देखिए स्लिट कर ली मैंने क्योंकि बच्चे या कोई भी होता है जो कम मिर्च खाता है तो खा नहीं पाता, लाल मिर्च भी डालें हरी मिर्च भी डालें तो प्रॉब्लम हो जाती है। और हेल्दी रेसिपीज मैं आपको दूँगी, अच्छी अच्छी सिखाऊँगी। अब इसको बन जाने देते हैं, 5-10 मिनट देखते हैं, 10 मिनट इसको पकाते हैं ढक करके और इसके ऊपर ढक्कन ढक देते हैं। देखिए इतना साफ नहीं ढक्कन क्योंकि इसमें अभी मैं आटा भी गूंथ रही थी तो इतना नीट एंड क्लीन मैं कुकिंग नहीं कर रही, फिर भी हाँ साफ करती रहती हूँ जब कुकिंग करती हूँ। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें बड़ी इलायची ऐड कर सकते हैं, थोड़े गर्म मसाले। देखिए जो हमारे जैसे 5-10 मिनट पकाया मैंने भी थोड़ी तेज़ आंच पे रख रखा है और देखो गाढ़ी भी ग्रेवी हो गई और जो मखाने ना श्रिंक हो गए छोटे हुए साइज़ में, तो मैंने सोचा शायद मैंने जो भूने इस वजह से ही हो गए, तो मैंने क्या किया मैंने थोड़े से और मखाने ऐड करे थे इसमें कैसे 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 ये। अब इसको हम ढक के, अब मैंने 5 मिनट इसको वैसे पकाया था आपका तेज फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर, अब इसको थोड़ा मंदी फ्लेम पर पका लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा मीडियम हीट पर कर देते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, मैंने 1 मिनट ही मंदे पे पकाया, अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल या मलाई डालना चाहें डाल सकते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी डाइजेशन के लिए। पर आप देखते हैं जो रेसिपी यूट्यूब पे या कहीं दिखाएंगे तो उनके मखाने मोटे मोटे होते हैं, मैं दूसरी बार मखाने की सब्जी, एक बार मैंने खीर बनाई थी और एक बार ये सब्ज़ी बना रहा तो मैंने देखा कि हमारे मखाने तो छोटे छोटे श्रिंक हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं रेसिपी में यानी कि कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसमें मखाने मोटे मोटे दिखते हैं, ऊपर मोटे मोटे मखाने डाल देते हैं नीचे श्रिंक हो जाते हैं अब ये जो आप यूट्यूब पे डाल रहे रेसिपी या किसी चीज़ पे भी इंटरनेट पे तो आप मोटे मोटे मखाने दिखा रहे हैं तो ये चीट हो रहा है तो मैं अब की बार कोशिश करूँगी मखाने मोटे ही रहे। मुझे लगता है ये इस तरह से मुझे पानी में भी होने पड़ेंगे, जिस तरह से आपको वो नहीं बनाते प्रसाद बनाते मखाने वाला भगवान श्री कृष्ण का, तो उसमें मखाने मोटे ही रहते हैं, तो मुझे लगता है मुझे मखाने ऐसे ही डालने पड़ेंगे, पहले पानी में भिगो के देखने पड़ेंगे ताकि मखानों का साइज़ मोटा रहे, ठीक है। चलिए अब की बार नेक्स्ट टाइम अच्छा और बेटर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी आपकी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।